डायरेक्टर नागेशन के द्वारा लिखी हुई कल्कि 2898 एडी एक बहुत ही वेल रिटन स्टोरी है, जहां इस मूवी में काफी सारे रेफरेंसेस और काफी सारे पैरल्स ड्रॉ किए गए हैं महाभारत के कैरेक्टर से। फॉर एग्जांपल, मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि जो भैरवा है वो कर्ण का रीइंकार्नेशन है। अब ये चीज काफी सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट का काम करती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का ध्यान सिर्फ एक क्वेश्चन पे था, क्या हमारा भैरवा कल्कि होगा या नहीं। और सिर्फ इसी एक सवाल के चक्कर में भैरवा और कर्ण के कैरेक्टर के बीच में जो पैरल्स ड्रॉ हुए हैं इस स्टोरी के अंदर, वो हमारे आंखों के सामने थे और हमने उन्हें रियलाइज भी नहीं किया। अब एक एक करके मैं आप सबको ये रेफरेंसेस समझाता हूँ। सबसे पहला तो ऐसा कहा जाता है कि कर्ण एक अनफॉर्चुनेट वॉरियर था, जिसकी किस्मत कभी उसके साथ नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी श्राप दिया था, जिनमें से एक है धरती माँ का श्राप, जहाँ धरती माँ ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा था कि तुम जब सबसे ज्यादा कमजोर होगे मैं तुम्हें अबैंडन कर दूंगी, यानी कि धरती माँ उनका साथ नहीं देंगी जब कर्ण सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। और महाभारत के युद्ध में होता भी यही है, जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो धरती माँ उनका साथ नहीं देती, उन्हें अबैंडन कर देती है और उनके रथ का पहिया टाइम से नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से इसी रथ के पहिये को निकालते हुए कर्ण की मृत्यु हो जाती है। एंड गेस व्हाट, सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है कल्कि 2898 एडी के इंटरवल से ठीक पहले, जहां भैरवा का कैरेक्टर एक रथ के पहिए को पकड़े हुए है। और अगर आपने मूवी ठीक से देखी है तो यहाँ पर भैरवा को रियलाइज भी होता है कि उसके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है, और यहाँ पे वो बुज्जी से कहता भी है कि कुछ तो बदल गया है बुज्जी। अब जैसे ही भैरवा इस पहिए को पकड़ता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कर्ण की कॉन्शियसनेस आ जाती है, जिसको वो फील भी कर सकता है और अपनी फीलिंग्स वो बुज्जी से भी शेयर करता है। मतलब महाभारत में जहाँ पर पहिया निकालते हुए कर्ण की स्टोरी एंड होती है, वहीं से भैरवा की स्टोरी का नया चैप्टर शुरू होता है। आप इसे क्लेवर राइटिंग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, वेल डन नागेश्वर। इतना ही नहीं, कर्ण को भगवान परशुराम ने भी श्राप दिया था, और उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए ये कहा था कि तुमने इतनी सारी विद्या तो सीख ली है, लेकिन जिस दिन तुम्हें तुम्हारे शस्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तुम्हें तुम्हारी ये विद्या याद नहीं आएगी, और दूसरे शब्दों में तुम अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन का यूज नहीं कर पाओगे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और महाभारत के युद्ध में भी होता कुछ ऐसा ही है, जहां अर्जुन के सामने कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र नहीं यूज कर पाते, क्योंकि उनका जो मोस्ट पावरफुल वेपन था यानी कि ब्रह्मास्त्र, उसे वो चलाना ही भूल जाते हैं परशुराम के श्राप की वजह से। और सिमिलरली ऐसा कुछ भैरवा के साथ भी होता है, जहां जब भैरवा को 1 बिलियन यूनिट्स की बाउंटी मिलती है, तो देखा जाए तो एक तरह से वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जाना भैरवा का सपना था, जिसके लिए उसे 1 बिलियन यूनिट्स चाहिए। और भैरवा और 1 बिलियन यूनिट्स के बीच खड़े थे अश्वत्थामा, जिनको हराना भैरवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस फाइट में भैरवा का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन बुद्धि था, जिसको अश्वत्थामा सबसे पहले ही तोड़ देते हैं। मतलब भैरवा के केस में भी उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन यानी कि बुद्धि उसके किसी काम नहीं आता। और इवन जब भैरवा बुद्धि को मॉडिफाई करके शंबाला लेके जाता है, वहां पे भी वो बुद्धि की वजह से ही अश्वत्थामा से हार जाता है, जहां अश्वत्थामा एक कपड़े की मदद से बुद्धि को नॉकआउट कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही केसेस में इन दोनों वॉरियर्स का हारना धर्म के हित में था, जहां जब कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र यूज नहीं कर पाते तो सच यानी कि पांडवों की जीत होती है, वहीं जब भैरवा अपना सबसे पावरफुल वेपन नहीं यूज कर पाता और अश्वत्थामा से हार जाता है, तब जाके सुमति शंबाला पहुंचती है, जहाँ पे कल्कि अवतार का जन्म होगा हमारे पुराणों के हिसाब से। लेकिन एक सेकंड, इतनी सारी थ्योरीज और इतने सारे रेफरेंसेस बताने का फायदा क्या हुआ, जबकि हमें अभी भी नहीं पता है कि भैरवा और कर्ण के बीच में क्या कनेक्शन है। क्या भैरवा सच में कर्ण का इनकार्नेशन है, या फिर कोई और बात है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो भैरवा को कर्ण की शक्तियां यूज करने दे रही है। इसका आंसर आपको मेरी अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि कल तक प्रोबेबली अपलोड हो जाएगी, और उसका लिंक यहां पर आ चुका होगा अगर वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।